Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the 11th worksheet from your civics chapter 2 federalism. Federalism ka matlab hum apni last video mein discuss kar chuke hain. Federalism ka matlab ek aisa system hota hai jisme hum government ki sarkar ki power ko do ya usse jyada levels pe divide karte hain. Students, if you don't subscribe my channel, then please subscribe my channel. और उसके साथ में दबे एक bell icon को है उसको भी press कर दें जिससे कि आपको मेरे channel की पर डलने वाली नई video की notification पहले मिल जाएगी और आप उसका सबसे पहले benefit उठा पाएंगे. So शुरू करते हैं हम आज का chapter. The Constitution of India provide a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. Thus, it contains three lists. जो हमारा constitution है इंडिया का उसने threefold यानी कि जो हमारी legislative power हैं जो विधायी शक्तियाँ हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. इसलिए तीन लिस्ट बताई गई हैं. मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट किस कार्य क्षेत्र में काम करेगी. वन मोर थिंग, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था केवल दो ही लेवल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. लेटर ऑन जब ज़रूरत महसूस की गई तो हमने एक थर्ड फोल्ड जो था, थर्ड टाइप्स जो थी, लोकल गवर्नमेंट जिसे हम म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत के नाम से जानते हैं उसको बाद में ऐड किया गया था. तो इस तरह से हमारा जो फेडरलिज्म है उसके थ्री स्टेप्स हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके okay? किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने देश में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों के बंटवारे के लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं. अब ये सूचियां डिफाइन करती हैं तीनों लेवल्स का, सॉरी, स्टेट और सेंटर के बीच में कि वो किस किस क्षेत्र में, किस किस फील्ड में टैक्स वसूलेंगे, किस किस फील्ड से रिलेटेड डिसीजन लेंगे. अब हम उन्हीं तीनों लिस्ट पर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. पहली है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची. ठीक है, ये आपकी वर्कशीट की एज इट इज़ फ़ोटो है जो मैंने ली है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में. अब ये मेरी समझाने का तरीका है. यूनियन लिस्ट जो होती है यानी संघ सूची जिसे हम कहते हैं उसके अंदर सारे नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि ऐसे फील्ड आती हैं, ऐसा क्षेत्र आता है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर डिसीजन, जो लॉज बनेंगे, जो कानून बनेंगे, उनको बनाने का राइट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के पास है. दोबारा से रिमाइंड कराती हूँ, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, उन पर लॉ बनाने का राइट हमारी सेंटर गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को है. इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. डिफेंस होती है रक्षा मंत्रालय यानी कि रक्षा संबंधी, बैंकों से रिलेटेड, हमारी मुद्रा से रिलेटेड टॉपिक्स, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामलों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और कम्युनिकेशन. ये सारे वो टॉपिक्स हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लॉ बनाने का राइट केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है.
सेकंड हमारी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर जो लोकल हैं और जो स्टेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आते हैं, और उन पर डिसीजन लेने का राइट, लॉ बनाने का राइट केवल स्टेट के पास है। इसमें आते हैं पुलिस हो गई, ट्रेड यानी व्यापार, कॉमर्स यानी वाणिज्य यानी बिजनेस, एग्रीकल्चर यानी कृषि, और इरिगेशन यानी सिंचाई। ठीक है, थर्ड आती है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो टॉपिक्स आते हैं जो सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इन पर लॉज भी दोनों मिलकर ही बनाते हैं, दोनों की आपसी सामंजस्य से, म्यूचुअल ट्रस्ट से दोनों डिसीजन लेते हैं, दोनों लॉज फॉर्म करते हैं। इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, एजुकेशन हो गई, शिक्षा, फॉरेस्ट यानी वन, ट्रेड बिजनेस, यूनियन, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, संगठन बना लेते हैं, मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, इस तरह की जो यूनियंस होती हैं, मैरिज विवाह संबंधी टॉपिक, अडॉप्शन गोद लेने संबंधी, और सक्सेशन यानी कि हम अपना वारिस किसे बनाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। और इसके ऊपर राइट जो लॉज बनाने का है वो स्टेट और यूनियन दोनों के पास हैं, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लॉज फॉर्म करती हैं। बट यदि इन दोनों के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए उस टॉपिक को रिलेटेड, तो जो सेंटर गवर्नमेंट है उसकी बात मानी जाएगी, ना कि स्टेट की। तब आप समझ गए होंगे कि सेंटर जो गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं कंपेयर टू स्टेट। यदि हम राज्य से तुलना करें तो केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय पर वो डेवलप नहीं हुई थी। जैसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर्स की फील्ड हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई, ये उस समय पर नहीं थे। ठीक है, तो अब इनके ऊपर राइट कौन बनाएगा, तो वो पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। तब आप और अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंटर गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल है राज्य सरकार की तुलना में, यानी स्टेट गवर्नमेंट से मच मोर पावरफुल है हमारी सेंटर गवर्नमेंट। अब आपको सारी जो लिस्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई हैं, और आज के हमारी वर्कशीट का डिस्कशन केवल इन लिस्ट के ऊपर ही था, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन एज वेल एज 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन लिस्ट से ज़रूर आता है। तो आप कई बार ऐसे होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए या पूछ लिया जाए कि ये कौन सी लिस्ट से है, या किसी भी लिस्ट का नाम दे करके आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कौन से विषय शामिल होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आजकल क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी हो गया है, तो आपको लिस्ट और टॉपिक्स दोनों दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट कौन सी लिस्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं उनको मैच करके लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस इन लिस्ट से ज़रूर पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। आपकी वर्कशीट में जो दे रखा है मैंने वो भी एज इट इज़ PPT में लगाया है, आप वीडियो को पॉज करके उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगे हैं। यदि आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। एंड नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। इन इंडियन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेंटर इज मोर पावरफुल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। अभी तो हमने डिस्कस किया है कि जब हम संघवाद यानी कि फेडरल जो सिस्टम है उसके अंदर देखते हैं तो सेंटर के पास ज़्यादा ताकत है।
आपको यही बात एग्जाम्पल से समझानी है। सेकंड है, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, शिक्षा जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। फाइंड द नेम ऑफ टू स्कूल्स इन योर एरिया विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाई सेंटर एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। आपको अपने एरिया के ऐसे कोई दो स्कूल बताने हैं, उनके नाम लिखने हैं, जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर उसको चला रहे हैं, यानी उस पर डिसीजन या लॉज फॉर्म करने का जो राइट है वो सेंटर और स्टेट दोनों के पास है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड ए सब्जेक्ट विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ईदर ऑफ थ्री लिस्ट, हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच सब्जेक्ट। आपको कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बताना है जो हमने अभी डिस्कस की गई तीनों लिस्ट में से किसी में भी इंक्लूड नहीं है, और उस पर डिसीजन कौन लेगा ये भी आपको बताना है। यही क्वेश्चंस मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हैं। यहाँ मैंने दोनों आपकी जो वर्कशीट्स हैं उनकी फोटोकॉपी एज इट इज़ लगाई है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको समझ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।